हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो है दूध का पराठा। तो आज मैं मिल्क पराठा बनाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। तो चलिए इस मज़ेदार सी आसान और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम मैदा लिया है, यानी कि 100 ग्राम रिफाइंड फ्लावर लिया है मैंने। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे मैंने घी लिया है, तो 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है इसमें, और इस घी डालकर मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये मिल गई है। अब मैं यहाँ पे दूध ले रही हूँ इसको गूँथने के लिए। तो मैदे का जो डो हमें लगाना है वो दूध के साथ में लगाना है। अगर आप चाहें तो पानी के साथ में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिल्क पराठा बन रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे दूध से गूँथा है। अब वापस में जब ये गूँथ गई है, तो ऊपर से मैं 1/2 चम्मच घी लगाकर इसको रेस्ट पे रख दे रही हूँ 10 मिनट। तो अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध का पाउडर लिया है 50 ग्राम, और 50 ग्राम ही मैंने शक्कर लिया है। शक्कर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में लिया हुआ है दूध का पाउडर और शक्कर, दोनों को मिला लिया है मैंने। हाँ, यहाँ पे मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद में डो बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसको चिकना कर ले रही हूँ इस तरह से, इसको वापस से गूँथ लूँगी। और बिल्कुल 2 पराठे के जितना ही मैंने डो लगाया था, और 2 पराठे की स्टफिंग भी तैयार की थी मैंने। तो 2 लोइयाँ बना लूँगी मैं, और इनको मैं इस तरह से थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट कर पतला बेल लूँगी। तो इतना पतला होना चाहिए। अब मैं उसके ऊपर से लगा रही हूँ वापस घी। तो 1 लेयर मैंने घी की लगाई है, उसके ऊपर ही मैं डाल दूँगी वो मिल्क पाउडर। अब मैं इसको फोल्ड करूँगी, तो थोड़ा सा घी लगा लगा कर फोल्ड करें, जिससे ये आपस में चिपक जाए। इनको स्क्वायर शेप का पराठा का शेप दे दूँगी मैं। तो बस ये रेडी हो गई है इस तरह से, जैसे वीडियो में दिखाया गया है उस तरह से बना लें। जब इस तरह की बन जाए, तो वापस से सूखा मैदा डस्ट करें, और इसको अब हमें स्क्वायर शेप का बेलना है। पहले राउंड शेप बनाकर इसमें स्टफिंग डाल लें, इसको फोल्ड कर लें, उसके बाद में सूखा मैदा डस्ट कर इसको इस तरह का स्क्वायर बेल लें। तो बस इस तरह का बना लेना है। अब हम इसको सेकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन ली हुई है, जिसमें मैंने इसको डाल दिया है। तो पैन हमारा गर्म है, और मैं इसकी साइड चेंज कर दे रही हूँ वापस से इनको दोनों साइड से। जब एक साइड से अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो ऊपर से मैं घी लगा रही हूँ, और घी लगाकर जब तक गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता है, तब तक हमें इनको सेक लेना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, और मीडियम फ्लेम पे हमें दोनों साइड से इनको खस्ता और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है, क्योंकि इनमें लेयर्स बनी है ना, वो खुल जाएंगी। तो इसको धीमे धीमे आँच पर सेकेंगे तो अच्छे अंदर तक सेक जाएंगी, और यहाँ पर जो पराठा है हमारा अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे, और ये पराठा बहुत जल्दी अच्छे से सिक गया है हमारा। देखिए लेयर्स भी खुलने लगी हैं। तो बस मैं इनको निकाल ले रही हूँ, और ये गर्मा गर्म हमारा दूध का पराठा रेडी हो गया है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है, बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। जब भी आपको कुछ इंस्टेंट खाने का दिल करे, आप ये पराठा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को आज ही ट्राई करें, बहुत ही यूनिक है, बहुत इंस्टेंट है, और बहुत जल्दी बन जाती है, और ज़्यादा कुछ मेहनत भी नहीं है। तो मैं आपको इस तरह से कट कर भी दिखा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे अंदर तक ये जो दूध वगैरह है, सब जब ये पकी है तो मेल्ट हो गई है। ये देखिए इस तरह से लेयर्स भी हमारे दिखने लगे हैं, और एकदम बढ़िया वाला हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया है। तो आपने देखा इसको बनाना कितना आसान है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी मैं ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत दिलचस्प रेसिपी के साथ में नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।